और द्रौपदी चाल मेरे संग में चाल मेरे संग में ये नहीं पूछेगी क्यों। हाँ पूछ रही है क्यों। क्योंकि अंधे का अंधा याद करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। जिब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं सेला कर ले मुंह जल जागा खाया करते घर में नहीं तेरी इन बातों ते इन बातों ते मेरा द्रौपदी हिया हो बे नरम नहीं बहु बेटी न बुरी न को हो यो छतरी का घर में नहीं बहु बेटी सर पड़ जाऊंगी तेरे दुशासन अपना घड़ी अनाज करे सर पड़ जाने लायक क्यों इज्जत बर्बाद करे। ये 100 रुपए आदरणीय बाबूजी श्री नानक सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं इस रागने पे बहुत बहुत धन्यवाद बार बार धन्यवाद। हाँ और हमारे भाई बबली सुल्तानपुर उनकी तरफ से एक बार फिर से 100 रुपए से मान सम्मान किया गया है आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सरपंच साहब कहाँ चले गए। हेलो हेलो आ रहे हैं। नहीं सरपंच साहब 200 रुपए मरार नहीं कटेगी 200 रुपए नगद और भाई 300 रुपए उधार है चार ढोलकी है ही बजानी पड़े सारी रात में पर भाई ये 300 रुपए हमारा हक बने हैं 500 रुपए हमारे देख में जोरदार तालियां बजा के सरपंच साहब का स्वागत करिएगा बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इतना मान दिया सम्मान दिया इतनी इज्जत दी और सोन या तो राजी राजी चली चल ना आज हस्तनापुर के दरबार में जाने से तेरी बेइज्जती होती है तेरी इज्जत खराब होती है। हाँ, होती है। अरे जा तेरी उस दिन इज्जत बर्बाद नहीं हुई जिस दिन अपने पिता सली के जेठ को तने बोली के तीर मारे थे। अच्छे कहा था ले बता है ना वो अंधे का अंधा तू भी अंधा चुप आ जा अगर अब की बार अंधे का अंधा कहे तो तेरी जवान खींच लूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे चुप हो जा वरना गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है मुझे आज ज्यादा आ रहा है। अच्छा तो सुन मुझे जोश और जुनून भी बहुत आ रहा है ढोलक वाले सतर्क हो जा बिल्कुल। हाँ और मारी खता बतावे से तन अपनी खता बताई नहीं मेरे जैसी और किसे में देवर मिले समाई नहीं मेरे जैसी और किसे में देवर मिले समाई नहीं पर तेरे ते ज्यादा मारे कुल में कोई अरबद जा लुगाई नहीं पर तेरा नंगा
देखेंगे। तुझे ऐसे नचावेंगे जैसे रीछ नचाया वो बाजीगर रीछ ने नचाया करे। और जब मैं नचाने पे आ गई ना इस छोरी को डुगडुगी बना के तब नचाएंगे तुझे। हाँ। और तेरा नंगा नाच देख के तेरा नंगा नाच देख के परियोधन परमा दे करे। नहीं किसे मैं नहीं किसे मैं चोरी पिसा जो गंगा जी में आने करे। और नहीं किसे मैं चोरी पिसा जो गंगा जी में गाद करे। बाजे वाले रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? हम नहीं नाचेंगे। तू नाचेगा। नाच रहा है अभी देख। तू नाचेगी मेरे इशारे पे नाच रहा है तू। और सुनो भाई वहाँ देसी रंग नहीं चलेगा। ए अंग्रेजी बैंड बजेंगे वहाँ सीताराम का जनरेटर होगा। सुन बात आज भरी सभा में आज भरी सभा में होगा तेरा नाच ढंगा। वहां संगीत भी मधुर बजेगा। हाँ आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा। इधर देख लगा ठुमके पांचाली ये झूम उठेगी ये झूम उठेगी मैं फिर ऐसा होगा दंगा। हाँ बजे जम जम के ताली ये झूम उठेगी मैं फिर ऐसा होगा दंगा। बजे जम जम के बताऊंगी कुछ। क्यों बजा के दिखा पहले अभी जो बजा रहा था न्यू कर करके बजा। बात बता बात क्या है? बात बताऊं ताली बजा रहा था अभी इसके तीर तलवार भाले चाकू छुरी ठाने तो बस की नहीं है। अब तो ये सारे भाई घर घर जाके बाबा हंसे मत तू समझा नहीं है क्या कहेगी। ये न्यू कह रही है अब तुम्हारे छतरा पर नहीं तीर तलवार भाले चलाने नहीं। अब तो वो कहना देख यार ऐसे छतरा हुआ है देख यार। यानी कि ये मुझे हिजड़ा बतावे और तुम हंसो ये डूब मरने की बात नहीं है। नहीं है पर इसने हवा में तीर छोड़ दिया भाई साहब वो ठीक लग गया। ओ लगे ये तीर हमारे। जवाब मैं भी ठोक के दूंगा। मैं भी जवाब ठोक के दूंगा। अच्छा दादा बीड़ी बंद कर एक बार और जवाब दे एक बात का। बोल राजा दशरथ को कितनी बहू थी? दादा जो कह रहा था चार। हाँ बता। तीन थी। राजा दशरथ के तीन थी। अच्छा बता राजा गोपीचंद के कितनी बहू थी? सोलह। सोलह थी। और भाई ढोलक वाले तू बता तेरे के दो दो। यानी कि मेरा कहने का और समझाने का मतलब यह है सरदारों ध्यान देके सुनना। तुमने राजा महाराजाओं से लेकर के और अब तक ये तो सुना होगा पांचाल साहब सुनते हैं कि एक मर्द को कई औरतें हो सकती हैं। लेकिन दादा ये दुनिया में नहीं सुना होगा कि औरत एक और कसम पांच पांच ले रही हो पांच पांच ले रही हो। हेलो बड़ा राजी हो रहा है कसम पांच पांच ले रही है। तेरे कितनी औरत है तू बता अपने बता बता। बोलती बंद भाषा जी सच्चाई बता दे आज बोलती बंद सच्चाई बता आज सच्चाई बता दे। इनके बहम पैदा कर दो जैसे मेरे दस बीस पचास यही तो बहम की क्या बात है। सुन द्रौपदी हम क्षत्रिय हैं कुरु वंश के खानदानी हैं। मेरे एक औरत थी नेत्रपाल धाप मारे कर वही है। और ये नेत्र तो चार छह कर ले मेरे वही रहेगी जो थी। एक है एक थी एक रहेगी। इसके एक है एक थी एक रहेगी। हाँ 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 मैंने शिवजी से वरदान मांगा था। ये वो शिवजी की बिना करो जो का सासू ने वरदान दिया था। सुनो इसके एक थी एक है एक रहेगी। जब इसके आधे वाल उड़ के गंजा हो रहा ढांचा बिखर रहा है मेरी हिम्मत देख। ये भी द्रौपदी की छाती है जो पांच पांचों को तो उन्हें झेल रही है
और फिर तू तुझसे टक्कर ले रही है। सुन मेरी, सुन, अभी मेरा ऑब्जेक्शन है। क्या है ऑब्जेक्शन? तेरे पांच पति हैं, शिव जी ने वरदान में दिए तुझे। चल मुझे ना नकुल सहदेव ते कोई दिक्कत, ना अर्जुन ते और युधिष्ठिर ते कोई दिक्कत, पर यूं बता वो भीम। हाँ वो भी मेरा पति। कहाँ वो भीम और कहाँ तू? हाँ यही तो बात है, अभी तू वहां तक पहुंचा ही नहीं है, जब पहुंच जाएगा, जब पता लगेगा। हाँ, तुम कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। आज सभा में नंगी कर दे, आज सभा में नंगी कर दे, आज सभा में तुझे नंगी कर दे, गौरव खुशी मनावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले क्या क्या खेल खिलावेंगे। लड़े है तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया? बहुत कुछ सिखाया। सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ? हाँ। तेरा कोई गुरु है? हाँ है गुरु। कौन है? नहीं बताती। सच बता कौन है? नहीं बताती। मत बतावे, हमने अंदाजा लगा लिया दादा। कौन है ये? किसी बढ़िया गुरु की चेली तो है नहीं? अरे ये तो किसी राधे माँ जैसी की चेली है। राधे माँ जैसी की चेली जो जेठ देवर के लिए इस ढाल लड़े है। तू किसका चेला है फिर? हम भी चेला हैं। किसके हैं? नाम नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा ना? तो हमने भी अंदाजा लगा लिया। क्या लगाया है? तू भी आसाराम बापू का चेला नहीं है। मैं तो दाती महाराज का चेला हूँ जो अभी शनिदेव कांड हुआ। अब दूसरा ले लिया होगा ना, वो जेल में चलेगा, बदलता रहेगा। पहला बोया का क्या नाम? साफ कहने में मेरे प्यारे देवर कत्ते भी दिल डाटा ना। हमने भी कौरव कौन कहे, हमने भी कौरव कौन कहे, हमने भी कौरव कौन कहे, जो तने फूंक के छटा ना। ईश्वर की माया का हो देवर भेद किसे ने बाटा ना। ईश्वर की माया का हो देवर। पद नहीं अनाद करे गुरु मान सिंह के भजनों में नित नहीं रघुनाथ खराद करे। सभा में जाने लाए तेरी कर जतर बात करे। द्रौपद चाल मेरे संग में, तू द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का यथा याद करे। Sonotech Cassette.